के अरविंद भाई हो आपका हमारे ब्लॉग के अंदर, और देखिए हम लोग पसारा पसार के बैठे हैं, जल्दी से उसको तारीख तो सबसे पहले। मैं सोच रही हूँ मेरी ननद की बेटी की शादी आने वाली है, तो फिर मैं सोच रही हूँ कौन सी ज्वेलरी पहनूंगी, ऐसा का ऐसे ही सेट बनाऊँ उसको। ये वाला पहनूँ चूड़ा और इससे मैचिंग इयर रिंग्स पहनूँ, या फिर कौन सा सोच रही थी मैं, हाँ या फिर ये वाला सेट पहनूं। वैसे ये वाला भी है मेरे पास, मतलब ये कुछ ऐसे कलर है जो हर रंग के ड्रेस के ऊपर चले जाएंगे। बाकी ये ब्लैक भी जा सकता है ये भी, पर इतना वो नहीं है। और मैंने कुछ चीज़ें फेंकने के लिए भी निकाल दी हूँ, जो मुझे पता है कि फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि नए के नए हैं, पर किस कौन लेगा, ये कचरे में ही डालना पड़ता है मुझे। फिर बहुत सारी चूड़ियाँ हैं जो मैंने पता नहीं क्यों खरीदी थी, महंगी है लेकिन एकदम अजीब सी गरीबाना है। किसी को देने के बारे में सोचती हूँ तो सोचती हूँ किसी को बुरा ना लग जाए। और ये मैंने एक इटालियन सिल्वर की अंगूठी खरीदी थी 350 रुपये की, उसने कहा था इसका रंग नहीं जाएगा पर चला गया। अब हमने निकाले हैं बहुत सारे सामान, और मैं हर बार जो वादा करती हूँ वो वादा फिर से करूँगी, अगली बार बिना काम के कोई भी सामान खरीदने का नहीं। है ना आलू, आलू नाराज है। खरीद के बोलते हो कि बिना नहीं खरीदने का, और फिर आप मेरे को चिल्लाते हो जब मैं कुछ खरीद। देखा तूने, हिला हिला के इसका वो निकाल दिया ना, इसका माथा निकल गया ना ऊपर से। कैसी बातें कर रही हो, वो तो मैंने छुआ तक नहीं। अब इसको जल्द से जल्द पहन के फेंकूंगी मैं, लाओ ना। 600 रुपये का लिया था मैंने, वो भी सेल में, वरना तो ये कॉस्टली आता है। कुछ चीजें रख ली है अभी मैंने फिलहाल में, फिर अभी एकदम डिसाइड नहीं हुआ है, या तो ये वाला। अभी मैं ड्रेस देखूंगी फिर कौन सा सबसे ज्यादा मैचिंग होएगा वो वाला पहन लूंगी। है कि नहीं, पूरा पर्ल का है ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना मतलब मेरे शादी के टाइम का, 17 साल पुराना है। दान नहीं कर रही हूँ, सोने का है, दान नहीं कर सकते। दिखाओ, देखिए कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेची, ब्लू ब्लू मैच भी हो गया, पर इसको कभी नहीं दूंगी, ये मेरा है। उसके लिए उसका बनाएगी वो मशीन, नाच उठेगी, ज्यादा भर जाएगी। यहाँ पर हम कपड़े भी धो रहे हैं, पानी भर गया है, चलो चालू कर दें इसको, जल्दी रहेगी। लाइट ऑन कर देती है तो। देखिए गाइस पापा क्या कर रहे हैं रिमोट को खोल के। ये देखो पूरा एकदम धूल मट्टी चली गई है, बहुत धूल मट्टी आ गई है, साफ करना पड़ेगा। हमारा रिमोट अच्छे से चल नहीं रहा था तो पापा ने खोल के अभी इसको साफ कर रहे हैं। बहुत धूल मट्टी आ गई है, थोड़ा साफ कर देते। रबड़ तो मुझे तो रबड़ में धो देता है। नहीं धो नहीं सकते इसमें, धो देगा एकदम साफ हो जाएगा रबड़। ठीक है इसको धो दे। देखिए दोस्तों पापा ने वो ब्रेसलेट पहन रखा है, इसको मम्मी ने पहनाया था। फार कर दो ना थोड़ा, ये ले लो, मम्मी ने पहनाया था वो, साफ कर देते। अबे यार मैं कुछ बोल रही हूँ ना, कर देते मैं बोलता हूँ। मम्मी ने पापा को पहनाया था इसलिए पापा ने पहन रखा है। देखिए किधर है, साफ सफाइयाँ चल रही है रिमोट की, पापा ने ठीक कर दिया रिमोट। ये देखिए रिमोट ठीक हो गया हमारा, चला के दिखाओ। ये रिमोट ठीक हो गया हमारा। दोस्तों स्वागत है आपका प्यारे व्लॉग में, और स्वागत तो हो चुका है, सॉरी अभी हम स्वागत कर रहे हैं आपका फूड व्लॉग में, जहाँ पे हम चिकन बनाने वाले हैं आज। और ये हमारे सब्सक्राइबर ने कहा था कि चिकन बनाओ, चिकन बनाओ। तो हमारे पास चिकन, दोस्तों हमारे पास चिकन है, ये चावल है, और ये मसाला भी रेडी करके रख दिया था रात में ही फ्रिज में, और अब हम कढ़ाई को ऊपर चढ़ाएंगे। ये हमारा चिकन धो के आ चुका है दोस्तों, हमारे चावल भी धुल चुके हैं, इस तरफ चावल चढ़ा दिए हैं और यहाँ पे चिकन फ्राई होगा। और इस मसाले में थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, अब थोड़ा सा नमक डाल देंगे चावलों में। अब
को फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। दोस्तों इसमें अदरक है, लहसुन है, कांदा है और टमाटर है जिसको बारीक पीस लिया गया है, और जैसे ही ये थोड़ा फ्राई हो जाए उसमें ऐड करेंगे काली मिर्ची। अभी सारा मसाला इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसका कलर भी बहुत अच्छा हो गया है, जो है ना बढ़िया हो गया। क्या बात है दोस्तों, एक चम्मच गरम मसाला ऐड कर दिया है, इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। कन लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। देखिए कितनी अच्छी भाप और उबाल आ गया इसमें, इसकी पूरी भुजाई हो चुकी है। अब हम गर्म पानी डाल रहे हैं अब इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए, फिर उसके बाद चावल के साथ खाएंगे। टेस्ट आज अच्छा बनाया, थोड़ा अलग स्टाइल में, थोड़ा है ना, अच्छा है, बढ़िया है। चलिए दोस्तों आप भी आइए हमारे साथ, खा लीजिए खाना। आपको अपना हमारा व्लॉग कैसा लगा लाइक कर दीजिए, बताइए आपको कैसा लगा खाना। अभी तक मैंने खाई नहीं हूँ पर अच्छा दिख रहा है, खुशबू भी आ रही है। बनाने में मजा आया? आज संडे है तो आज और क्या प्लान है? कुछ खास नहीं है, कुछ और नहीं। चलो ठीक है, इसके बाद गाड़ी चलाने जाएगी, खाके मिलते हैं। दोस्तों नीचे शादी थी और वहाँ से हमारे यहाँ खाना आया, कि हम लोग नीचे जाके नहीं खाए, यहीं पर ऊपर ही खा रहे हम लोग घर पे। लेकिन लापसी है और बिरयानी बहुत अच्छी है, कैसा लगा? देखो शादी नहीं है, वो शायद हल्दी की रस्म है, बांध बैठा है। अच्छा, और अच्छा। दूसरी बात, तबीयत ठीक नहीं है, जैसे कि आपको मैंने मुंह पे देखा है इसलिए मैं नहीं गई। कनी और बहुत अच्छी है, ये लापसी बहुत अच्छी है, इसके अंदर खजूर है, नारियल है, काफी अच्छी।